भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। सबसे पहले मेरे समाज के मसीहा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम। साथियों, 1 अक्टूबर 2023 को जब हमने पहली बार चमार रेजिमेंट स्मारक का अनावरण कार्यक्रम किया, तब उस मंच पे हमने एक घोषणा की थी कि अगर समाज की यही ताकत दिखाई देती है तो 1 साल के अंदर अंदर संसद के अंदर चमार रेजिमेंट बहाल करो की मांग उठेगी। और देखिए, 1 साल हुआ नहीं है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा नगीना लोकसभा से सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, जिन्होंने पहली बार लोकसभा के अंदर दहाड़ते हुए चमार रेजिमेंट बहाली की मांग उठाई 6 तारीख को। और देखिए कमाल की बात, 6 तारीख को भाई ने मांग उठाई, उससे अगले ही दिन हरियाणा के एक कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे ही समाज के बड़े ही बुद्धिजीवी मंत्री हैं आदरणीय बनवारी लाल जी, उन्होंने 11 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है चमार रेजिमेंट स्मारक निर्माण के लिए। कुछ काम वहां पे रुका हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि ये होती है इकट्ठा होने की ताकत। हजारों की संख्या में हम 1 अक्टूबर को इकट्ठा हुए और देखिए लोकसभा के अंदर चमार रेजिमेंट बहाली की मांग उठी और कैबिनेट मंत्री जी ने 11 लाख रुपए मंजूर कर दिए स्मारक के निर्माण हेतु। छोटी सी एकता हमने दिखाई तो इतना बड़ा हमें पुरस्कार मिला। और अगर इस एकता को हम स्थायी रूप से दिखाते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि चमार रेजिमेंट बहाल होगी, हमारे बच्चों के जो कंधों के ऊपर जो तार लगे होंगे ना, जो फीत लगी होंगी, वो चमार रेजिमेंट की लगी होंगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, चमार रेजिमेंट मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, मैं उस ट्रस्ट का महासचिव हूं, हमारी ही ट्रस्ट के तत्वाधान में 1 अक्टूबर को कार्यक्रम किया गया था और समाज ने, सब ने मिलजुल के बड़े ही सहयोग से, बड़े ही प्यार से इस कार्यक्रम को सफल किया था। आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि समाज इसी तरह हमें सहयोग करता रहेगा। हम उसके बाद हमने कोहिमा यात्रा की थी 5000 किलोमीटर की, उस यात्रा के अंदर भी समाज की तरफ से बढ़ चढ़ के बहुत बढ़िया सहयोग मिला था। तो आपसे आगे भी हम सहयोग की उम्मीद करते हैं। जो जो साथी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं एक बार सभी भाइयों से, सभी बहनों से अपील करूंगा कि आप शेयर जरूर करें ताकि हर गली से, हर मोहल्ले से चमार रेजिमेंट बहाली की आवाज उठे। और अभी तो संसद के अंदर चंद्रशेखर भाई अकेले दहाड़े हैं, 100+ हमारे MP बन के जाते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के संसद के अंदर। वो दिन दूर नहीं जब ये सारे के सहारे दहाड़ेंगे, इनको दहाड़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी एकता हर नेता को मजबूर करेगी। उसके सबसे बड़े वोटर आप लोग हैं, उसे पता है दुख सुख में समाज काम आएगा। समाज इकट्ठा होकर मांग करेगा तो नेताओं को भी मांग उठानी पड़ेगी। तो आप सब इसी प्रकार से अपनी एकता बनाए रखें और इसकी बहाली के लिए जरूर से जरूर, जहां पे फेसबुक पे पोस्ट लिखी जाए, व्हाट्सएप पे पोस्ट लिखी जाए, जहां पे आपसे आवाज उठाई जाए, हमारे हाथ में सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं, जो हमारे समाज के नेता विधानसभा में है वो वहां पे आवाज उठाएं, जो लोकसभा में है वो वहां पे आवाज उठाएं, जिससे जिस तरह पे आवाज उठाई जाए। तो पहले दो पड़ाव जो हमें मिले हैं, संसद में आवाज उठाई गई, 11 लाख चमार रेजिमेंट स्मारक बीड़ फार्म के लिए मंजूर हुए। एक बार मैं पुनः भाई चंद्रशेखर आजाद और मंत्री बनवारी लाल जी का धन्यवाद अदा करता हूं अपनी ट्रस्ट, अपनी पूरी टीम की तरफ से और समाज की तरफ से। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अगर चमार रेजिमेंट से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास है, कोई सहयोग है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय चमार रेजिमेंट।